हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हम लोग मेरी फेवरेट खुमानी की तुड़ाई करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी घर में हम लोगों ने क्या क्या किया है और क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आड़ू हम लोगों ने सुखाए हुए हैं, ये काट के इस तरह से। तो ये जब सूख जाएंगे इसको स्टोर करके रख देंगे, फिर हम बाद में भी खाते रहेंगे इसको। और दूसरी तरफ भी आप लोग को दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आज सुबह से ही मम्मी लगी पड़ी थी काम में, तो जो है ना आलू की चिप्स जो है बोलते हैं ना, तो वो सुखाने में लगी हुई थी। तो वो आप लोग को दिखाता हूँ अभी। पर देख सकते हो आप, छत में हम लोगों ने साड़ियों में जो है चिप्स सुखाए हुए हैं आलू के। तो ये वाली थोड़ी ख़राब हो गई थी, और जो वो वाली है वो आज सुखाई हुई है सुबह सुबह। देख सकते हो बड़े बड़े। अगर आप लोग भी इसको घर में बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल है इसको बनाना घर में। तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे आप लोग, बाज़ार से या जहाँ से भी, जैसे हम लोग तो घर पे लगा लेते हैं, तो आप मार्केट से लेके आ सकते हैं आलू, और उसको धो के अच्छे से उसके छिलके निकाल के आप लोग क्या करेंगे ना, जो कद्दूकस होता है ना हमारे घर में, जिसे इंग्लिश में ग्रेट बोलते हैं ना, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसे कद्दूकस करेंगे। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो छोटा वाला होता है और एक बड़ा सा होता है ना, लंबा वाला ब्लेड। तो लंबे वाले में आप लोग उसे ग्रेट करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन बहुत ही केयरफुल होकर करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ भी कटने का उसमें डर रहता है। तो वो आप लोग कर देंगे एक बार, तो ये काम हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक कढ़ाई में या उसमें आप लोग को पानी उबालना है, बहुत तेज़ पानी उबालना है। तो उसमें आलू को डालना है, मतलब जो ग्रेट करें उसको डालना है, उसमें थोड़ा सा नमक भी मिलाना है पानी में। तो अच्छी तरह से उसको उबालने के बाद आप लोग क्या करना है, पानी उसका निथार देना है। तो उसके बाद आप लोग छत में या फिर कहीं पर भी, हाँ लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि धूप प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी धूप होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा ख़राब भी हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, जैसे मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, साड़ी या कोई भी चीज़ में आप लोग डाल सकते हैं, उसके ऊपर एक एक करके फैला सकते हैं, तो वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो आप लोग कभी भी घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप लोग बना के उन्हें खिला सकते हैं, ऐसे हम भी करते हैं। यहाँ पर एक काम और चल रहा है, तो ये है संजय, और ये अभी अभी आया हुआ है। तो यहाँ पर जो पिरोल है ना, ये हम बहुत दूर से लेके आए हैं इसको, तो अभी ये नरम है, इसके ऊपर हम लोग तिरपाल या कुछ भी ऐसा डाल देंगे ताकि ये ज़्यादा सूखे ना। ये काम भी हमारा, जाना हमको दूसरी साइड में था खुमानी तोड़ने के, लेकिन आ गए हम दूसरी साइड, तो अभी खुमानी भी तोड़ेंगे। उससे पहले दिखाता हूँ आपको अभी हम और क्या तोड़ रहे हैं। यहाँ पर तोड़ाई हो रही है जितुआ प्लम की, तो इसको जितुआ प्लम बोला जाता है, देख सकते हो आप, ये लोग तोड़ रहे हैं, मैं भी तोड़ूंगा अभी, पहले वीडियो बना लेता हूँ। और ये इस टाइप की होती है, वैसे पहले भी दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को। ये अभी थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक भी हो जाती है ये। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये भी, इसको भी पुलम बोला जाता है। तो ये जो है लेट में तैयार होती है, देख रहे हो आप दाने इसके। इसमें हम लोगों ने सीढ़ी भी लगाई हुई है ताकि अच्छे से तोड़ सके, क्योंकि इसमें जो ना है, इसमें ना कांटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तो अगर बाई चांस कोई गिर गया, इधर उधर हो गया 19-20, तो काफ़ी इंजरीज भी हो सकती हैं। यहाँ पर हम लोग पुलम तोड़ रहे हैं, और यहाँ पर जस्ट ये ताऊजी का घर है, और ये हैं बन्नी दीदी के फूल, देख सकते हो यार क्या मस्त फूल हो रखे हैं, बढ़िया एकदम। आजकल ना ये सब लोग गार्डनर हो गए हैं, गार्डनर, देख रहे हो क्या मस्त हो रखे हैं फूल। ये हमारी नज़र पड़ती नहीं है ना, कभी कभी हम इधर उधर हो जाते हैं तो तब तो आ जाते हैं नज़र। देख रहे हो यहाँ पर भी, उधर भी लगाई हुई है। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, इसको भी हम लोग पूरा नहीं तोड़ेंगे, मतलब जो है ना ये कच्चे, देख रहे हो ना आप, ये बाद में तोड़ेंगे, और जितना भी है पके पुके ये अभी हम लोग तोड़ देंगे इसको। तो इसमें काफ़ी, हर बार बहुत अच्छा फल आता है, इस बार तो काफ़ी दाने भी अच्छे अच्छे हुए हैं, बड़े बड़े। एक क्रेट संजय लेके जा रहा है, और दो झोले मेरे पास हैं, जैसे कि देख सकते हो आप, दो झोले लटका के मैं चलाऊँ। अब हम लोग तोड़ने जा रहे हैं खुमानी। हम आ गए हैं अब अपने खेत की दूसरी साइड। तो जैसे कि ये आप देख सकते हो, खुमानी की तोड़ाई भी चल रही है अब,
तो इसमें भी सेम वही है यार, इसको भी 2-3 बार तोड़ना पड़ेगा अभी। बस इसको ऐसा है कि स्टार्टिंग है तो इसको बस थोड़ा सा छांटेंगे हम लोग, तो उसके बाद फिर एक प्रॉपर होने लगेगा ये। तो इस बार फल भी काफ़ी अच्छा है और पीले पीले हो चुके हैं यार ये मौसम हमसे कुछ कहना चाह रहा है, क्या आप बता सकते हो ये क्या कहना चाह रहा है हमसे? लगता है बारिश होने वाली है। इतना प्यारा व्यू है ना, ये मस्त लग रहा है। नीचे वाले पेड़ों में भी। काफ़ी अच्छा फल है इस बार, देख ही सकते हो आप। ये देखो काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा हो रखे हैं इस बार। तो जिसको अगर चखना है, मतलब चखना बोले तो मतलब वो नहीं जो ड्रिंक के साथ लेते हैं, जिन लोगों को मतलब खाना है खुमानी, आ जाओ सारे। यहाँ पर यार बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि देख सकते हो मौसम उतना बना नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदियाँ आनी स्टार्ट हो गई है। और संजय लेके जा चुका है वहाँ से, और एक मैं भी लेके जाऊँगा यहाँ से। अब क्या हाँ बोल रहे हैं? क्या दे दो तो? यार अभी हम लोग जो है खेत से आ चुके हैं यहाँ पर, और बच्चे लोग को देख ही सकते हो आप, टिनटिन, अप्पू। तो ये लोग, ये इन लोगों को मुर्गी चाहिए बोल रहे हैं ये लोग, दो के दो। मुझे वो छोटी वाली सबसे। और इसमें ना अभी हम लोगों ने कुछ और ऐड किए हुए हैं मुर्गी, और इसमें जो पहले से हम नेपाल से लेके आए थे वो भी हैं, और वैसे भी हम लोगों ने अभी करीब करीब 8 या 10 लिए होंगे मम्मी ने। तो मम्मी को जो है काफ़ी शौक है, मतलब शौक क्या है, मतलब पहले से ही पालती आई हैं वो, तो काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि हाँ, क्योंकि जब अंडे देने वाली हो जाती है ना तो बाज़ार से अंडे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर ही में खा लेते हैं हम लोग। तो कौन सा वाला चाहिए? मुझे तो वो वाला, मुझको सांप अरे यार, मुझको सांप एक वाला अच्छा लगता है। और ये लोग बोल रहे हैं कि एक एक मुर्गी इन लोगों को बाहर निकाल के दिखाओ, क्योंकि ये लोग तो करेंगे मज़े और बाकी लोग क्या करेंगे, फिर सजे रहेंगे। फिर बाकी लोग अगर बाहर निकल गए तो यहाँ पर हम लोग ने सब व्यवस्था की है इन लोगों की, देख सकते हो। मैंने ऐसे किया तो आए काटने आ रहा है। तो हरी हरी घास, और यहाँ पर मक्का भी दिया हुआ है हम लोगों ने, और ये देख ही सकते हो पानी। तो सब चीज़ का इंतज़ाम इन लोगों का किया हुआ है हम लोगों ने। आ जाना, अब देखता हूँ काटता है नहीं काटता। ले अरे काट रहा है, रुको हाँ, हाथ में भी तो आएगा जब तभी तो दूंगा। अबे ये देख रहो। तो अप्पू और टिनटिन जिद कर रहे थे कि एक मुर्गी बाहर निकाल के दिखाओ, तो इन लोगों हाँ दो बोली थी वैसे, अब एक निकल गई बहुत है। यहाँ पर आ चुका है अभी भात, भात भी हम देंगे इन लोगों को। ये यहाँ से भी निकल गई, दो तीन निकल गए। नहीं नहीं खाने दो, खाने दो उसको। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है यार, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो ये देख सकते हो उत्तराखंड फ्रूट, कंड कंड निकल गया ना, उत्तराखंड फ्रूट। तो इसमें जो है ना हम लोग बहुत, हाँ इसमें जो है हम लोग बहुत कम ही भेजते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये वाले ना हार्ड वाली लकड़ी। तो ये वाली हम लोग अभी फर्स्ट टाइम कह सकते हैं, मतलब हल्का हल्का स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े सस्ते भी होते हैं। देख रहे हो आजकल के बच्चों को सब पता है इन लोगों को। तो खुमानी का लास्ट जो है ना पेटी वो भरने वाला है, 2, 3, 4, 5 पांच बनाए हम लोगों ने, और इसमें पुलम है दोनों में। इसमें क्या है, इसमें भी पुलम है। अभी बज चुके हैं शाम के 5, और आधे दिन तक जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया फ्रूट व्रूट हम लोगों ने पैक वैक करके भेज दिया है। तो जैसे कि मास्क आप देख रहे होगे मेरे मुंह में लगा होगा, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी इस मशीन में मैंने दवाई डाल के बिल्कुल रेडी रखा हुआ है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हो यह है अनार के पेड़, अभी इनमें जो है फूल आने स्टार्ट हो चुके हैं, ये देख सकते हो, ये देखो हल्के हल्के, लेकिन इनमें जो है कीड़े वीड़े लगने स्टार्ट हो गए हैं अभी। तो अनार का यही होता है कि अनार में जितना हो सके दवाई डालना चाहिए, क्यों, तो अभी अगर स्टार्टिंग में हम लोगों ने दवाई डाल के जो कीड़े होते हैं ना उन पे कंट्रोल कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छे से होंगे,
क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा या नहीं भी देखा है तो कभी किसी के घर पे भी आप जाएंगे वहाँ पर अगर अनार का पेड़ होगा तो उसमें देखना बहुत जगह से छेद हो जाते हैं, मतलब काले काले छेद हो जाते हैं, अंदर से कीड़े जो है ना ख़राब कर देते हैं पूरे। ये वाला आप देख सकते हो, ये पूरा अंगूर है, छोटे 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 देख सकते हो आप, दाने लगने स्टार्ट हो गए इसमें। ये ना बेल वाली होती है ना, इसलिए हम लोगों ने इसमें जो पुलम का पेड़ है ना इसमें हमने चढ़ा दिया इसको, मतलब इसमें इसकी बेल चली गई है, अब ये जाते रहेगी ऊपर तक क्योंकि बेल वाली अब काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये कुछ हमारे फ्रूट हैं और काफ़ी फल है इस बार भी इसमें, देखो अंदर 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 छोटे छोटे दाने हो रखे हैं। यहाँ पर तो एक ही पेड़ है हमारे अनार का, बाकी ऊपर जो खेत है ना हमारे वहाँ पर दो तीन पेड़ और हैं तो उनमें भी डालना पड़ेगा क्योंकि पूरा एक गैलन मैंने जो है पूरा स्प्रे का बनाया हुआ है, तो अभी ऊपर भी डाल दूँगा, उससे पहले मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। यार काम निपटा के ऐसे ही बैठा हुआ था मैं यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो लेटा हुआ, मतलब बैठा हुआ नहीं हूँ। तो अभी सैम से बात कर रहा था मैं काफ़ी देर तक, करीब करीब 15-20 मिनट तक, बड़ा आनंद एकदम मज़ा आ रहा है यहाँ पर इस तरह से लेट के। थोड़ा ये है ना, ये जो रहता है ना पिरोल, ये स्पंच वाला रहता है ना, थोड़ा दबता है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ से आसमान का व्यू, ये देखो आसमान कुछ इस तरह से दिख रहा है, एकदम नीला है ना। और थोड़ा सा इधर को दिखाएंगे तो ये अब सनसेट होने की कगार पे है, मतलब है अभी टाइम है, अभी 6:30 बज रहे हैं। कल रात को भी बहुत मज़ा आया यहाँ पर, मतलब मैं कहूँ तो सामने वाला घर है ना ताऊ जी का, तो वहाँ पर हम लोगों ने कल पार्टी की, मतलब पार्टी बोले तो मोमोज़ बनाए थे हम लोगों ने नॉनवेज, तो वो बनाया खाया मज़े से। करीब करीब 11-12 बज गए थे हम लोग को रात के, तो बहुत मज़ा आया। तो ये थी यार आज की वीडियो, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो नए भी कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो होता ही है कि यार थोड़ा है ना अंदर से जोश आ जाता है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा, बहुत प्यार मिला लोगों का। तो अभी बस इतना ही यार इस वीडियो में, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।